बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज ऑपरेटिंग सिस्टम की इस क्लास में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उस पर जाने से पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट कर लें, हम आज की जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हम क्या आज स्टडी करेंगे। तो रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स की। इसके साथ में हमने डेडलॉक हैंडलिंग को स्टडी करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ी सी कल वाले लेक्चर्स को पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाई जाए। तो कल के लेक्चर में हमने डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम विद मॉनिटर्स को स्टडी किया था, विद एल्गोरिथम आपको समझाया था। डेडलॉक एंड कंप्यूटर में किस तरह होता है, किस तरह आता है, किस तरह रियल लाइफ में आता है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डिटेल के साथ विद सिंबल आपको समझाया था कि आप किस तरह ये सारी चीज़ें करेंगे। एंड इसके साथ डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती हैं। तो अभी जो है ना हम आगे जाएंगे एंड आज के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर्स में हम डेडलॉक हैंडलिंग को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम डेडलॉक हैंडलिंग को कर चुके थे शॉर्टली। बेसिकली जो डेडलॉक हैंडलिंग होती है हमारे पास, ये बहुत सारे तरीक़ों से आता है। तो हम यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को प्रिवेंट करने के लिए, के जो हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए एंड अवॉइड द डेडलॉक जब एक सिस्टम में जो नहीं एंटर होगा डेडलॉक स्टेप में, तो हम फिर कर सकते हैं डेडलॉक एंड फिर इसको रिकवर भी कर सकते हैं, और हम टोटली डेडलॉक को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डेडलॉक हैंडलिंग में जो है क्या है कि हम इंश्योर करेंगे इस सिस्टम जो है ना हमारे पास डेडलॉक स्टेट में बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं होगा। सही है, हम अलाउ करेंगे एक सिस्टम को कि वो एंटर हो डेडलॉक स्टेट में और फिर हम उससे उसको रिकवर भी कर लें। और हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम होंगे हम उसको इग्नोर करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि डेडलॉक हमारे इस सिस्टम में ना आ जाए। तो ये हमारे पास डेडलॉक हैंडलिंग है। डेडलॉक हैंडलिंग में और चीज़ें भी है जो हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है। इन सारों को हम डिटेल में करेंगे। पहले थोड़ी सी ज़रा डेडलॉक प्रिवेंशन को करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन हम जब प्रिवेंट करते हैं डेडलॉक को और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट एक या चार नेसेसरी जो कंडीशन होते हैं, इसमें से एक कंडीशन जो है ना हमारे पास क्या हो इस डेडलॉक के लिए जो अकर हम नहीं करना चाहते, मीन वो हो। तो ये कि इन चार कंडीशन में से एक भी हमारे पास जब अकर ना हो तो ये हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन होगा। अगर इनमें से एक कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास डेडलॉक को अकर नहीं करेगा, डेडलॉक यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या है कि रिस्ट्रेंट द वे रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट कैन बी मेट टू इंश्योर that at least one of the four necessary condition as violated, that is prevention, deadlock prevention. अच्छा, deadlock prevention के में हमारे पास जो और है इसके सब पार्ट में आएंगे वो है mutual exclusion. Mutual exclusion basically हमारे पास यही है। इन सारों को हमने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल के साथ किया है। अभी मैं थोड़ी सी ज़रा टू द पॉइंट जाऊँगी। ओके, डेडलॉक प्रिवेंशन में जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फॉर ऑल द रिसोर्स बट
सम रिसोर्स आर इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल बिकॉज द स्टेट कैन नॉट बी सेव एंड रिस्टोर विदाउट एल एफ ए सच एज अप्रेंटर। तो ये हमारे पास जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन में मस्ट होगा, होल्ड होगा और नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, डेडलॉक प्रीमिशंस में सेकेंड वन है हमारे पास होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट बेसिकली हमारे पास डेडलॉक जो है प्रिवेंट करेंगे, हम डिनाइंग करेंगे होल्ड एंड वेट प्रिवेंशंस को, और ये हमारे पास इम्प्लीमेंट करेंगे हम तो दो तरीक़ों से, और ये दो तरीके मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे। तो हम क्या है कि होल्ड एंड वेट में हम वी मस्ट गारंटी डेट विन एवर ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। समझ आ रही है, हम उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास होल्ड ना हो। ओके, डेडलॉक प्रिवेंशंस में जो और चीज़ें भी है लेकिन रिक्वायर करेगी हमारे पास एक प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी अलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर एट बीइंग गेन एग्जीक्यूशन और अलाउ ए प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नन एंड लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टारवेशन एज पॉसिबल एंड डेडलॉक प्रिवेंशंस इन दिस स्टेप। ओके, यहाँ पर जो होल्ड एंड वेट है तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आती है, एक जो दूसरा मेन पॉइंट्स है वो हमारे पास नो प्रिवेंशंस है। नॉन प्रिवेंशन एफ ए प्रोसेस डेट इज होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स डेट कैन नॉट बी इमीडिएटली अलोकेटेड टू एट देन ऑल द रिसोर्स करंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज दैट इज नॉन प्रिवेंशन। ओके, तो ये तो हमारे पास नॉन प्रिवेंशन था, और इसके अलावा हम प्रिवेंशंस को और तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका एक प्रोसेस जो है ना होल्ड हो सर्टन रिसोर्स में जो कि डिनाइन हो पर द रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ से ये जो है ना मस्ट रिलीज करेंगे इस ओरिजिनल रिसोर्स से और मैं रिक्वेस्ट करेंगे अगेन टुगेदर एट द एडिशनल रिसोर्स। तो अल्टरनेटली अगर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स के लिए जो करंटली हेल्ड है बाय अनदर प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेम्प्ट करेगा इस सेकेंड प्रोसेस को और रिलीज करेगा इस रिसोर्स को। तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको प्रेम से ही समझ आ चुकी होगी। अब डेडलॉक प्रिवेंशन में हमारे पास प्रिम्प्टेड रिसोर्स आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एंड प्रोसेस विल बी रिस्टार्ट ऑनली व्हेन इट कैन रीगेन इट्स ऑल रिसोर्स एज वेल एज द न्यू वन दैट इट हैज रिक्वेस्टेड। ओके, इसके साथ ही हमारे पास सर्कुलर वेट है जो इम्पोज करके ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज टाइप एंड रिक्वायर्ड डेट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इनोमरेशन मीन सारी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेंगे एंड रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे लेकिन एक फॉर्म बनेंगे सर्कल का, तो उसको हम फिर सर्कुलर वेट मीन एक रिसोर्स रिक्वेस्ट करेगा तो दूसरा उसके लिए वेट करेगा, तो ये एक प्रोसेस करेगा तो दूसरा उसके लिए वेट करे, तो ये बेसिकली हमारे पास सर्कुलर वेट है। ओके, तो हम कर सकते हैं प्रिवेंट डेडलॉक को बाय मेकिंग सर्कुलर वेट, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, और हम इसको मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह हमारे पास सर्कुलर वेट सारा प्रोसेस होता है, तो ये सारा ऑर्डर में होता है, तो ये जिसमें प्रोसेस जो है ना रिसोर्स को प्रिवेंट करेंगे एक सर्कुलर वेट फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल हमारे पास ये भी है कि जिस तरह बहुत सारे हर रिसोर्सेस है एंड प्रोसेसेस है और उसमें हर रिसोर्सेस का अपना मतलब उसको एक नंबर असाइन ही किया गया होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ना ओनली क्या करेगा एक रिसोर्स जो है ना एक टाइम में एक प्रोसेस यूज को करेगा, तो इस तरह इसके जो ऑर्डर नंबर है वो इंक्रीज होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं सर्कुलर वेट का आपको दूँ, जिस तरह
आप सपोज कर ले कि टेप ड्राइव है जो कि हमारे पास एक रिसोर्स है, अच्छा, और एक डिस्क ड्राइव भी है, सही है, एंड प्रिंटर्स भी हैं, डिफरेंस तादाद में हैं। जब एक प्रोसेस जो है ना वह चाहता है कि हम रीड करें एक डिस्क ड्राइव को और प्रिंट आउट भी इसका ले ले, तो फिर वो क्या उसको ज़रूरत होगी कि वो एलोकेट करेगा इस डिस्क ड्राइव को इस प्रिंटर को, तो फिर इसके बाद ही पेमेंट होंगे एंड इस तरह ये रिवर्स ऑर्डर में सारा काम करेगा। तो ये मे सके हमारे पास सर्कुलर वेट में मीन ये प्रोसेस है, रिसोर्स और रिक्वेस्ट और वेटिंग सारा कुछ होता है। अच्छा, डेडलॉक प्रिवेंशन में हम असाइन करेंगे यूनिक नंबर हर रिसोर्स को और उसके टाइप्स को जो यूज़ करेंगे हम, जैसा है एप कॉलॉन आर गोज टू एन मीन रिसोर्स, हमने एक जो है ना एक नंबर उसको दे दी और मेक श्योर करेंगे कि प्रोसेस जो रिक्वेस्ट करेंगे इस रिसोर्स में तो इसकी जो ऑर्डर है वो इनोवेशन के साथ ऑर्डर में मीन इंक्रीज होगा। एग्जांपल क्या है कि टेप ड्राइव है जिसकी नंबर एक है और डिस्क ड्राइव है इसका नंबर 5 है एंड प्रिंटर है इसका नंबर 12 है। तो अब इसको ज़रा हम करेंगे प्रूफ के, लेट्स अज्यूम करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्सेल करके प्रोसेस नॉट गोज टू P1 मीन इससे रिक्वेस्ट करेगा, इस तरह ये डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस प्रोसेस है, सही है, P0 से गोज टू P1, P1 गोज टू P2 एंड P2 गोज टू PK, इस तरह अगेन P1 तक को आएगा, या R1 और R2 ये सारे हमारे पास डिफरेंस रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्स 0 जो है ना और ये सहा रिसोर्स 1, 2 के इस तरह अगेन इस तरह एक दूसरे से ये रिक्वेस्ट करेंगे एंड इस दूसरे का वेट करेंगे। तो एफ आर ऑफ नॉट सही है या एफ आर ऑफ 1 एंड एफ आर ऑफ के इस तरह, तो ये मीन एक दूसरे को क्या है कि ये हमारे पास जिस तरह एफ आर नॉट लेस देन इक्वल है एफ आर नॉट, ये हमारे पास इम्पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास कोई भी सर्कुलर वेट नहीं है। अच्छा, अब डेडलॉक अवॉइडेंस को स्टडी करेंगे। डेडलॉक अवॉइडेंस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक जो है डेडलॉक में। तो बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस हमारे पास एक टेक्निक होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि डेडलॉक को हम किस तरह अवॉइड करेंगे, और इसको बहुत सारे आपको एक डेडलॉक को अवॉइड करेंगे तो आपको कितनी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि आपको एक टेक्निक आनी चाहिए कि आप किस तरह डेडलॉक को अवॉइड करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो इसके बारे में बहुत सारे प्रोसेसेस है या रिसोर्सेज के सारों के बारे में आपने डिटेल्स मालूम जानी है कि कौन रिक्वेस्ट करेगा, कौन असाइन करेगा और इस तरह। ये आपको अलग ही मैंने लेक्चर में डिफरेंस सिंबल्स के थ्रू इसके जो बेसिक्स है आप उसको देख ली तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस दिए गए होंगे, रिसोर्स दिए गए होंगे और उसमें हम जो रिसोर्स है प्रोसेस एक दूसरे को असाइन एंड इस तरह करेंगे, तो इसके थ्रू हम जो है ना ये सारा कुछ हम कुछ ऑर्डर में करेंगे और इस तरह डेडलॉक को हम अवॉइड करेंगे। तो फिर इसमें हमारे पास डिफरेंस और चीज़ें भी आती हैं। तो क्या है कि डेडलॉक अवॉइडेंस में हमारे पास रिक्वायर होती है द सिस्टम हैज़ एडिशनल एप्रियोरी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हो यूज़ करेंगे हम रिसोर्स के लिए बाय प्रोसेसेस के। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल जो हमारे पास इसके लिए रिक्वायर होता है हर प्रोसेस में वो डिक्लेयर करेगा इसका मैक्सिमम नंबर, तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रिसोर्स हर टाइप के साथ इनके लिए ज़रूरत होगी, इनके साथ अटैच होगी। डेडलॉक अवॉइडेंस में आगे जाएंगे क्या है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन करेंगे हमारे इस रिसोर्स एलोकेशन स्टेट्स को और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर कोई भी जो सर्कुलर वेट कंडीशन हो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन स्टेट भी डिपेंड आते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो ऑलरेडी पड़ा है, फिर हमारे पास इसमें रिसोर्स एलोकेशन डिफरेंट स्टेट है जो इसको हम डिफाइन करेंगे बाय नंबर ऑफ जो अवेलेबल हो कि किस नंबर के साथ कितने रिसोर्सेज हम इसको एलोकेट करेंगे एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ द रिसोर्स प्रोसेसेस क्या है। तो फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है स्टेट आते हैं, एक हमारे पास सेफ स्टेट है, दूसरा हमारे पास सेफ सीक्वेंस है, एक हमारे पास अनसेफ सीक्वेंस है। अब क्या क्या है इसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो क्या है कि जब हमारे पास जो सेफ स्टेट है, इसको हम इस ये भी बोलते हैं सेफ स्टेट भी हम इसको बोलते हैं, सही है। और अगर आपका सिस्टम जो है ना अलोकेट हो एक रिसोर्स एक प्रोसेस में मैक्सिमम जो इसकी रिक्वायर्ड है पार्टिकुलर सीक्वेंस है विदाउट हम पेसिंग करेंगे डेडलॉक, तो इस तरह हमारे पास इस तरह जो सेफ स्टेट है ये डेडलॉक इसमें फिर अकर नहीं होगा। और ये डेडलॉक पॉसिबल है कि हम जो है ना अनसेफ स्टेट में फिर आ सकेगा। तो ये आइडिया जो हम अवॉइड करते हैं एक डेडलॉक को, सिंपली हमें अलाउ नहीं करेगा एक सिस्टम को कि वो अनसेफ स्टेट में इंटर हो जाए, तो ये एक डेडलॉक को फिर क्रिएट करेगा। तो क्या है कि जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा एक अवेलेबल रिसोर्स के लिए और सिस्टम मस्ट डिसाइड करता है कर चुका है कि अगर इमीडिएट अलोकेशन लीव करेगा द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट, तो सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट इफ द एग्जिस्ट ए सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, सही है। अगर ये सेफ सीक्वेंस में है तो फिर हम कह सकते हैं ये सेफ स्टेट में है। तो आप देख सकते हैं सेफ स्टेट के सीक्वेंस P1, P2 अप टू PN है, ये हमारे पास सेफ है। अगर ये हर एक प्रोसेस जो है ना इसको जो रिसोर्स है PI कैन स्टिल रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द करेंटली अवेलेबल रिसोर्स प्लस द रिसोर्स हेल्ड बाय ऑल द PJ विद RJ लेस देन I, तो अदर वर्ड्स में हम सेफ स्टेट सीक्वेंस जो है ना स्पेसिफाई करेंगे इसका जो ऑर्डर है जिसमें ये प्रोसेस ये फिनिश होगा। अच्छा, सेफ स्टेट में जैसा P1 रिसोर्स जो है जिसको जरूरत नहीं होती इमीडिएटली अवेलेबल हो तो फिर PI जो है वेट करेगा जब तक PJ जो है ना हमारे पास फिनिश नहीं होता, तो PJ जब तक फिनिश होगा तो PI जो है ना ऑब्टेन करेंगे इसके जो रिसोर्स जो इनकी जरूरत है वो एग्जीक्यूट करेगा रिटर्न करेगा इसको अलोकेट करेगा रिसोर्स और इस तरह ये सारा काम कम्प्लीट होकर के टर्मिनेट करेगा। तो जब PI टर्मिनेट होगा तो PI+1 कैन बी ऑब्टेन अगर इसको हमारे पास क्या है जरूरत है रिसोर्स की एंड इस तरह ये सारे इस तरह प्रोसेस होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है तो फिर नो डेडलॉक होगा, समझ आ रही है, तो डेडलॉक फिर नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस आ जाए, तो अवॉइडेंस इंश्योर करेंगे आप लोग। अवॉइडेंस में क्या इंश्योर करेंगे कि सिस्टम जो है ना एक अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा, तो आप इस डायग्राम को जरा फिर देख सकते कि सेफ अनसेफ एंड डेडलॉक स्टेट, तो आप देख ले डेडलॉक सेफ एंड अनसेफ स्टेट। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे क्या है कि सेफ स्टेट क्या है डेडलॉक क्या है अनसेफ स्टेट क्या होता है। तो आप जरा देखते हैं सिस्टम विद पाइप टेप ड्राइव है एंड 3 प्रोसेस है मीन 12 हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज हैं एंड 3 जो है हमारे पास इसके प्रोसेसर हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लें 12 हमारे पास टाइप ड्राइव है मीन 12 रिसोर्सेस है एंड 3 प्रोसेसेस हैं। तो करेंट सिस्टम स्टेट हमारे पास अब देख लें कि प्रोसेस में P0 P1 P2 मैक्सिमम जो नीड है इसके 10 P प्रोसेस 0 को जो मैक्सिमम रिसोर्स की जरूरत है वो 12 है और इसको अलोकेट 5 दिए गए हैं। इस तरह P1 के पास जो रिसोर्सेस है वो 4 है मैक्सिमम 4 है और जो अलोकेटेड है वो 2 है और इस तरह P2 को मीन प्रोसेस 2 को जो मैक्सिमम रिसोर्सेस है वो 9 है और उसको अलोकेट 2 की गई है। तो आप इस सिस्टम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेफ स्टेट में है विद द सेफ सीक्वेंस P1 P0 एंड P2, सही है। मीन देखे ना कि मीन मैक्सिमम ज्यादा है लेकिन उनको जो असाइन की गई है वो इससे कम है ना, तो ये मीन हमारे पास क्या है कि P2 रिक्वेस्ट करेगा और इसको अलोकेट 1 मोर टाइप ड्राइव भी दिया जा सकता है। देख ले कि P2 देख ले कि मीन इसके पास मैक्सिमम मीन 9 है ना, तो अलोकेट 2 दिए गए हैं, तो यहाँ हम और चीजें भी इसको मतलब दे सकते हैं। अच्छा, आप इसे अज्यूम करेंगे कि जो टाइप ड्राइव है इसको अलोकेट P2 किया गया है ना, तो इसका जो स्टेट विल भी क्या है, अब मेरे पास क्या है कि मैक्सिमम 9 है
और उसको तीन अलोकेट किया, तो सिस्टम गेट एंड टू द अनसेफ स्टेट। अब देख ले इसमें भी हमारे पास ये अनसेफ स्टेट में जाएगा। क्यों अनसेफ स्टेट में जाएगा? अब जरा देख ले, ये मेरे पास 9 है सही है, और यहाँ पर अलोकेट 2 है, तो मीन यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 तो ये तो है ना, सही है सही है। अब मेरे पास ये है, या चलो ये आगे हम करेंगे। अभी आप इस वाले देख लेंगे इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोसेस 2 को हम एक 3 देंगे, तो फिर हमारे पास ये अनसेफ स्टेट में जाएगा। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, डेडलॉक हैंडलिंग को डिस्कस कर लिया, डेडलॉक प्रिवेंशन को डिस्कस कर लिया, और इसके साथ ही हमने डेडलॉक अवॉइडेंस को डिस्कस कर लिया। तो आई होप यहाँ तक तो आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा जो अभी हमने ये पीछे वाला कर लिया इसको मैं थोड़ा सा ज़रा करती हूँ कि जिस तरह यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 3 प्रोसेसेस हैं, इनको डिफरेंस जो वो असाइन किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल भी देती हूँ कि पर्स कर ले आपके पास जिस तरह में है कि पी नॉट को हमने जो वैल्यू होल्ड किया है सही है, तो उसको 5 को एलोकेट किया गया है ना, लेकिन उसको मैक्सिमम जो है वो 20 है, और इस तरह P1 के हमारे पास जो है तो वो एलोकेट की है 2 है, लेकिन उसको मैक्सिमम 4 है, इस तरह P2 को हमने मैक्सिमम जो है 9 है, एलोकेट 3 की गई है सही है। तो क्या है कि इस सेशन में हम कह सकते कि सेप अनसेप या इस तरह सीक्वेंस ये सारी चीज़ें फिर इसमें हम कि देख सकते हैं कि इसमें है। तो सेफ सीक्वेंस में क्या किस तरह होते हैं, अनसेफ में क्या होता है? तो सेफ सीक्वेंस में बेसिकली ये होता है जिस तरह आप लोगों ने इसको जो भी वो असाइन किया है, लेकिन वो उससे ज्यादा है कि जिस तरह आप फर्स्ट वन को देख लें, ये सेकंड वन को चलो पहले हाथ देख लें ना, जिसमें हमारे पास क्या है कि एलोकेट 2 की है, मैक्सिमम 4 है, तो आप देख ले अब यहाँ पर हमारे पास 2 एलोकेट है और टोटल 4 है, तो मीन इसको 2 की जरूरत है ना, समझ आ रही है? ऐसा हमारे पास ये है, इसको एलोकेट 5 है, तो मीन 5 इनकी और भी ज़रूरत है ना, और यहाँ पर हमारे पास ये है, तो मीन यहाँ पर 6 की ज़रूरत है। तो ये इस बेस पर फिर हम इसको सेफ अनसेफ ऐसा ले सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी। कोई इशू हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आज के लिए इतना काफ़ी है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।